सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। उमेश पाल हत्या मामले में माफिया अतीक अहमद को की सीजीएम कोर्ट में पेशी होगी। वहीं अतीक अहमद के साथ अशरफ की भी कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस आज अदालत में उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए उसे हिरासत में देने का अनुरोध करेगी। वहीं पेशी को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को करीब एक पखवाड़े में दूसरी बार बुधवार को साबरमती जेल से यहां नैनी जेल लाया गया है। और ये पेशी उमेश पाल हत्याकांड के मामले में होगी। बता दें सुबह 10:30 बजे अभी कुछ ही देर में नैनी जेल से लेकर पुलिस अतीक अहमद को निकलेगी और कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। उमेश पाल हत्या मामले में माफिया अतीक अहमद को सीजीएम कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। माफिया अतीक अहमद की आज पेशी है सीजीएम कोर्ट में, ये पेशी होगी। बता दें उमेश पाल हत्याकांड में ये पेशी होगी। इससे पहले भी राजू पाल के अपहरण केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, तब भी उन्हें साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। और एक बार फिर से उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया है और सीजीएम कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। बता दें कि अतीक अहमद के साथ उसके भाई अशरफ की भी आज पेशी होगी। दोनों आरोपी कोर्ट में मौजूद रहेंगे। उमेश पाल हत्या मामले में क्या कुछ सामने आएगा और क्या कुछ सुनवाई होगी, पुलिस कोर्ट से अनुरोध करेगी पूछताछ करने के लिए। अतीक अहमद के साथ अशरफ भी कोर्ट में पेशी होगी। बता दें कि आज अदालत में उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ करने का पुलिस अनुरोध करेगी। बता दें जेल और कोर्ट में सख्त पहरा देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर प्रयागराज से हमारे संवाददाता पवन पटेल हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद की आज सीजीएम कोर्ट में पेशी होगी। कितने बजे ये पेशी होगी, क्या कुछ पूरी जानकारी निकल कर सामने आ रही है? जी बिल्कुल मयूरी, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर प्रयागराज पुलिस तथा उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा इस पूरे हत्याकांड में जितने भी आरोपी हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। हालांकि अगर इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत से बात की जाए तो अतीक अहमद तथा अतीक अहमद के भाई अशरफ को इस पूरे हत्याकांड के षड्यंत्र करने का आरोप लगाया गया है। और बीते कल देर शाम को करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है। वहीं अशरफ को बरेली जेल से कल देर शाम को नैनी सेंट्रल जेल में ला दिया गया है। अगर सेंट्रल जेल की बात करें तो जो खबरें सामने आई हैं, कहा गया है कि अतीक अहमद की वहां पर ब्लड प्रेशर वो जो है हाई हो गया था। हालांकि अगर जेल प्रशासन की बात माने तो जेल प्रशासन के मुताबिक यहां पर डॉक्टरों की टीम आई थी और अतीक अहमद का यहाँ पर मेडिकल चेकअप किया गया है। अगर समय की बात की जाए तो आज करीब 11 बजे अतीक अहमद तथा अशरफ को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस इन दोनों को रिमांड पर लेने की अर्जी पेश करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि इस पूरे हत्याकांड में जितने भी शामिल जो आरोपी हैं उनके बारे में पूछताछ करेगी। तो निश्चित रूप से आज का जो किस तरीके से कोर्ट का जो फैसला है और क्या किस तरीके से बातें सामने आएगी वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर पूरे घटना की बात की जाए तो आज करीब 40 दिन बीत जाने के बाद प्रयागराज पुलिस तथा उत्तर प्रदेश एसटीएफ इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और आज का जो फैसला और किस तरीके से पुलिस आज इनको कोर्ट पे पेश करेगी और कोर्ट का क्या फैसला वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा और देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर अतीक अहमद की बात की जाए तो अतीक अहमद के पूरे आपराधिक इतिहास को अगर देखा जाए तो करीब 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे जो है वो इसके पूरे अपराध की कहानी कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। इस पूरे हत्याकांड को लेकर प्रयागराज पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ लगातार इन आरोपियों की तलाश में जुटी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण अभी तक बात सामने आई कि पूरे हत्याकांड में शामिल जो भी आरोपी हैं वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। ऐसे में पुलिस जब अतीक को रिमांड पर लेगी तो निश्चित रूप से उमेश पाल हत्याकांड की जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी और इस हत्याकांड का कहीं ना कहीं खुलासा होने के आसार दिख रहे हैं। जी मयूरी, पवन, आज कोर्ट में अतीक और अशरफ तो मौजूद रहेंगे ही, और कौन आरोपी मौजूद रहेंगे कोर्ट में?
जी बिल्कुल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अतीक और अशरफ को आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर आज देखने को मिलेगा। और अगर बीते कल की बात की जाए तो प्रवर्तन निदेशालय टीम द्वारा लगातार अतीक के करीबियों के घर पर रेड डाली गई और जिस तरीके से यहाँ पर नकदी बरामद की और तमाम जो ऐसे नाम सामने आए हैं वो सबसे बड़े महत्वपूर्ण है। अब किस तरीके की अभी कार्रवाई है, हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि अतीक के पूरे कुनबे को किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर ध्वस्त कर रहा है, किस तरीके से जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आज कौन कौन आरोपी कोर्ट में पेश होंगे ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन जब 11 बजे का जो समय है वो अभी सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये सेंट्रल जेल है और यहाँ पर जो आला अधिकारियों की चहल पहल वो बढ़ चुकी है, तो कयास लगाया जा रहा है अभी कुछ ही देर में अतीक और अशरफ को कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ से कोर्ट के लिए ले जाया जाएगा। जी पवन, फिर चाहे वो नैनी जेल हो या कोर्ट हो, सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखने को मिल रही है, पुलिस कितना अलर्ट मोड में नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर बीते बार जब अभी कुछ दिनों पहले करीब 16-17 दिन पहले जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया था, तब से तरह तरह की जो बातें थी वो सोशल मीडिया पर तैर रही थी, कई तरह की जो चर्चाएं थी वो आम थी। लेकिन अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो नैनी सेंट्रल जेल की बात की जाए और चाहे कचहरी कोर्ट बात की जाए। एक बार मैं तस्वीरें भी आपको ये दिखाऊंगा, ये अंदर की देखिए तस्वीरें, ये सेंट्रल जेल है और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये देखिए ये वही मेडिकल की टीम है जो बताया गया कि अतीक अहमद का जब सुबह पर जब यहाँ पर तबीयत खराब होने की बात सामने आई तो ये डॉक्टर की वही टीम है जो यहाँ पर अतीक अहमद के मेडिकल चेकअप के लिए आई थी। और ये देखिए वो तस्वीर है जहाँ पर जो डॉक्टरों की टीम है वो वहाँ निकल रही है। निश्चित रूप से जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो साफ तौर पर दिख रही थी किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, किस तरीके से। पवन, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि माफिया अतीक अहमद की आज सीजीएम कोर्ट में पेशी होगी, वहीं अतीक अहमद के साथ अशरफ भी कोर्ट में मौजूद रहेगा। बता दें कि पुलिस आज अदालत में उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए उसे हिरासत में देने का अनुरोध करेगी, वहीं पेशी को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को करीब एक पखवाड़े में दूसरी बार बुधवार को साबरमती जेल से यहां नैनी सेंट्रल जेल लाया गया है और अभी कुछ ही देर में पुलिस सेंट्रल जेल से अतीक को लेकर कोर्ट में पहुंचेगी जहां पेशी होगी। और क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात रहेगी। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में ये आज पेशी हो रही है, अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया है। इससे पहले भी अतीक अहमद को राजूपाल हत्या अपहरण केस में प्रयागराज लाया गया था जिसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता पवन हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, उमेश पाल हत्याकांड में आज अतीक अहमद की पेशी हो रही है, परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्या उनका कुछ बयान सामने आया है? एक तो उसकी तबीयत कल रात को जरूर खराब हुई बिल्कुल मयूरी, अगर कल की बात की जाए जब अतीक टीम ने उमेश पाल के परिजनों से बात की तो उमेश पाल की मां ने साफ तौर पर कहा है कि इनके परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। हालांकि उन्होंने अतीक अहमद पर आज जिस तरीके से कोर्ट में पेश करने की बातें उन्होंने सुनी और उन्होंने इसका जो वहां पर प्रतिक्रिया दी है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि उमेश पाल की मां ने साफ तौर पर कहा है कि इनके पूरे परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड में जितने भी आरोपी हैं और जितने मुख्य आरोपी हैं जिनके चेहरे सामने आए थे वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। अब आज जब पुलिस अतीक और अशरफ को कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड पर लेने की अर्जी दाखिल करेगी तो निश्चित रूप से जब पुलिस अतीक और अशरफ को रिमांड पर लेगी उसके बाद जो पूछताछ करेगी वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य सामने आएगा, क्योंकि इस पूरे घटना के जितने भी अभी तक मुख्य आरोपी हैं वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। तो निश्चित रूप से आज कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस अतीक और अशरफ को रिमांड पर लेगी वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वो नजर आएगा। जी पवन, आप नैनी सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद हैं, पुलिस का कैसा पहरा देखने को मिल रहा है, तस्वीरें दिखाएं। जी हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे, ये देखिए वो नैनी सेंट्रल जेल का यही वो रास्ता है और इसी रास्ते से अभी आपको थोड़ी देर बाद अतीक अहमद को कोर्ट ले जाया जाएगा और देखिए यहाँ पर किस तरीके से पुलिस की टीमें तैनात हैं और ये सेंट्रल जेल के वही वो रास्ता है और ये आपको सामने एक दरवाजा दिखा होगा, इस दरवाजे के अंदर अतीक अहमद तथा अशरफ बंद है और अगर समय की बात की जाए तो करीब 11 बजे अतीक और अशरफ कोर्ट में पेश करने की बातें हैं वो सामने आई हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस
चिकित्सालय अधिकारी और पुलिस कर्मी यहाँ पर तैनात है। मतलब तस्वीरें कह रही हैं, साफ तौर पर दिख रहा है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ये नैनी सेंट्रल जेल का यही वो परिसर है जिसके अंदर अतीक अहमद को बीते कल देर शाम को साबरमती जेल से यहाँ पर लाया गया है। तो साफ तौर पर तस्वीरें दिख रही हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसी कड़े सुरक्षा के बीच अतीक व अशरफ को कोर्ट पेश किया जाएगा। जी जी धन्यवाद पवन हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि अतीक अहमद की आज उमेश पाल हत्याकांड मामले में पेशी होगी। अभी कुछ ही देर में पुलिस नैनी सेंट्रल जेल से अतीक और अशरफ को लेकर निकलेगी। वहीं बता दें कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जेल से कोर्ट तक सख्त पहरा देखने को मिल रहा है। और हमारे संवाददाता प्रयागराज से नंदलाल हमसे जुड़ चुके हैं। नंदलाल, माफिया अतीक अहमद की आज कोर्ट में पेशी होनी है, आप कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, कैसे सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? आज अतीक अहमद सीजीएल कोर्ट में पेशी होना है जो की समय 11 बजे दिया गया है। सुरक्षा की बात करते हैं तो यह वही रास्ता है जिस रास्ते से अतीक अहमद सीजीएल कोर्ट में लाया जाएगा और यही कोर्ट है। मैं आपको अपने कैमरा मैन दिखाता हूँ, यह वही कोर्ट है जिस कोर्ट में अतीक अहमद की आज पेशी होगी। और सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर पीएसपी के टीम बता दें और भारत के जवानों की तैनाती की गई है। वही करीब 1000 सुरक्षा कर्मी तो विदाउट ड्रेस में सारे ड्रेस में तैनात किए गए हैं क्योंकि अगली बार जब अतीक अहमद की पेशी हुई तो यहाँ पर मुस्लिमों के द्वारा जो उपद्रव किया गया था उस बात को लेकर यहाँ पर इस बार उन्हीं वकीलों की एंट्री की जाएगी जिनकी आज कोर्ट में सुनवाई है, जिनकी उनकी उसी को हो पाएगी जिनका केस है। जी नंदलाल, पेशी के दौरान अतीक अशरफ तो मौजूद रहेंगे, और कौन से आरोपी कोर्ट में मौजूद रहेंगे, क्या इसकी कोई जानकारी है? देखिए अभी तक जो कांड स्पष्ट हो पाया है उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और अशरफ की पेशी सुनिश्चित की गई है। और देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर यहाँ पर व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया गया है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिस प्रकार की सुरक्षा की बात की जा रही है यहाँ पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है जिससे की देखा जाए तो आज की जो पेशी है उसमें दूसरे अधिवक्ता उस कोर्ट में नहीं हो जा पाएंगे क्योंकि जो पिछली बार यहाँ पर उपद्रव किया गया था उस बात को लेकर के यहाँ पर खास व्यवस्था किया गया है कि जिनकी सुनवाई है और जो वकील उसमें है वही उस बात कोर्ट के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। जी धन्यवाद नंदलाल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। पुलिस अभी दोनों को लेकर नैनी सेंट्रल जेल से सीजीएम कोर्ट के लिए रवाना होगी। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।